मरियम अपने घर में काम कर रही थी और अचानक एक स्वर्गदूत उनके कमरे में आ खड़ा हुआ और उसे दर्शन देते हुए कहा, प्रणाम मरियम, तुझ पर प्रभु की कृपा हुई है, प्रभु तेरे साथ है, तू पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण करेगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम स्वर्गदूत को देख और उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने स्वर्गदूत से कहा, पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती तक नहीं। घबरा मत मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो जो तुझसे ऊपर होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो महान होगा और वो दुनिया पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम की मम्मी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो उसे मरियम की पवित्रता पर शक हुआ और उसने मरियम से शादी करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सपने में दर्शन देकर उसे मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। इसके बाद यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और यीशु के जन्म तक उनमें कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। जब मरियम का बच्चे को जन्म देने का समय निकट था तब यूसुफ और मरियम दोनों को किसी जरूरी काम के चलते बैतलहम नगर की ओर जाना पड़ा और बैतलहम पहुंचते ही मरियम का जन्म देने का समय आ गया और उनके पास बच्चे को जन्म देने के लिए कोई जगह नहीं थी। यूसुफ ने मदद के लिए किसी का दरवाजा खटखटाया। घनश्याम, हम परदेसी हैं और हमारी बेटी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है, क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तुम्हारा मेहमान, निकल यहां से। चलो। यूसुफ और मरियम वहां से आगे निकलकर अगले दरवाजे पर खटखटाते हैं। हम परदेसी हैं और मेरी बेटी गर्भवती है और अब वो जन्म देने वाली है, क्या आपके घर में हमें कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे घर में कोई खाली कमरा तो है नहीं, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक चढ़ी है, लेकिन वहां मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहे तो वो जगह ले सकते हैं। आपका धन्यवाद है सर, हमें मंजूर है। और उस देश में बहुत गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों का पहरा देते थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज
दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। उसके दर्शन करने के लिए तुम्हारे लिए चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही इस दुनिया का मुक्तिदाता है। इन्होंने जवाब में कहा, आओ हम चलें और उस मसीहा के दर्शन करें। आकाश में पृथ्वी पर शांति हो, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आकाश में महिमा पृथ्वी पर शांति हो, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आकाश में महिमा पृथ्वी पर शांति हो। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आकाश में महिमा पृथ्वी पर शांति हो। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। आकाश में महिमा और पृथ्वी पर शांति हो। Oh,
हालेलुया। आपको डांस कैसा लगा? अभी जो बच्चों ने इतनी मेहनत की है वो कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया। एक बार ताली हो जाए ये बात। अब संगीता सिस्टर हमें कुछ बताने वाली है, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? सब ध्यान से सुनेंगे? कितने जन ध्यान से सुनने वाले हैं? किनके कान ठीक है आज? कितने जन ध्यान से सुनने वाले? देखो जब मैंने गाना कान ठीक है तब आधे लोगों के हाथ उड़े। हालेलुया प्रभु की महिमा हो। अब तक आपने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताता है कि मरियम गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। फिर स्वर्गदूत यूसुफ के पास जाता है और उसके बाद स्वर्गदूत चरवाहों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उसके लिए चिन्ह यह होगा कि तुम एक गौशाला में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे। तब चरवाहे आनंदित होते हैं और जाकर यीशु मसीह के दर्शन करते हैं और उसके बाद प्रचार करते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आकाश में महिमा हो, पृथ्वी पे शांति हो। अब देखते इसके आगे। हालेलुया। देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो गए। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन सब बातों पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। यीशु का जन्म यहूदा के बैतलहम में राजा हेरोदेस के समय में हुआ था। इसके बाद ज्योतिषी पूर्व से यरूशलेम आए और बोले, यहूदियों के नवजात राजा कहाँ है? हमने उनका तारा उदित होते देखा और हम उन्हें दंडवत करने आए। ये सुनकर राजा हेरोदेस और सारा यरूशलेम घबरा गया। राजा ने सब महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की सभा बुलाकर उनसे पूछा, मसीह कहाँ जन्म लेंगे? उन्होंने उत्तर दिया,
यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी ने इसके विषय में ये लिखा है, यहूदा के बैतलहम तो यहूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुझमें एक राजा उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा बनेगा। हेरोदेस के बाद में ज्योतिषियों को चुपके से बुलाया और उनसे पूछताछ कर ये पता कर लिया कि वो तारा ठीक किस समय उन्हें दिखाई दिया था। फिर उसने उन्हें बैतलहम भेजते हुए कहा, जाइए, जाकर बालक का ठीक ठीक पता लगाइए और उसे पाने पर मुझे खबर दीजिए, ताकि मैं भी जाकर उसे दंडवत करूं। वे राजा की बात मानकर चल दिए। उन्होंने जिस तारे को उदित होते देखा था वो उनके आगे आगे चलता रहा और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचने पर ठहर गया। वे तारा देखकर बहुत आनंदित हुए। घर में प्रवेश कर उन्होंने बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसे झुककर प्रणाम किया। फिर अपना अपना संदूक खोलकर उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्हें स्वप्न में ये केक कटिंग है ना, हालेलुया। आप में से कितने जन जानते हैं कि हालेलुया का मतलब क्या होता है? हालेलुया, एक बारी हालेलुया बोल के उसका मतलब भी ऊंची आवाज से बता दो। क्या है इसका मतलब? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अभी हम केक कटिंग के लिए जा रहे हैं और हमारे पास सबसे छोटे बच्चे की एज कितनी है? सुहाना की एज 8 साल है। उससे छोटा बच्चा कौन है यहाँ पे? उससे छोटा बच्चा आगे भेज दो, आगे भेज दो। आज 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 बस बाकी पीछे। हाँ सुहाना आ जाओ, सुहाना का है जो 4 साल से बड़े हो, 4 साल से बड़े हो, बाकी मतलब छोटे
और जितनी 4 साल के आसपास, 4 साल से बड़े जो केक काट पाए, पता है केक काटा नहीं, खाना हल लिया। आराम से, इसलिए बोल रही थी यहाँ मत आओ। आई हम प्रार्थना करेंगे केक कटिंग के लिए और आशीष मांगेंगे। हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे और शकुंतला आंटी आगे आएंगी और केक में आशीष मांगेगी और बाकी जितने भी लीडर्स हैं वहीं पे हाथ बढ़ाकर, वहीं से हाथ बढ़ाकर जो है प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ठीक है, ठीक है, आइए प्रार्थना करें। सब हाथ बढ़ाइए केक की तरफ, सब केक की तरफ हाथ बढ़ा के आशीष मांगिए। और ये छोटे बच्चे जो केक काटेंगे, लो। प्यारे पिता परमेश्वर, सब शक्ति विमान सारी सृष्टि को बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले हे सत्यनिष्ठ पिता, हे प्यारे पिता परमेश्वर, इस केक को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर के नाम में इसको छूकर शुद्ध करती हूँ, यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जिस नेक कमाई से आया मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, उस कमाई को आशीषित कर मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। जिन हाथों से बना मेरे प्रभु उन हाथों को आशीषित कर मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। जो भी इसको खाए प्यारे तेरे महिमा करे मेरे प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करे प्यारे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे, इसको खाने से जिसकी भी कोई परेशानी है, जो भी प्यारे पिता कोई भी जो भी दिक्कत है, जो भी सारे पिता परमेश्वर, इसको खाने से सारे यीशु के नाम से सारी परेशानी दूर हो चुकी है यीशु के नाम से मेरे प्रभु पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। गौरव भाई आगे केक कटिंग के साथ साथ ही हम कैरल सिंगिंग भी करेंगे, ठीक है। और सोनी आ जाओ, सोनी और भावना सिस्टर आ जाओ, पास पास आ जाओ। वीडियोस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, सब वीडियोस बना रहे, आ जाओ। अशर्फियां गिर रही हैं आज, ओके सब रेडी है, काट दो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जीसस, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू बी विद अस, मे यू बी विद अस, हैप्पी बर्थडे डियर जीसस। Happy birthday to you. Chakku chakku jaake. Isko kaun padega? Main. Okay, maine bhi padha. Next time aap bhi padhna. Mera ho abhishek. Thank you.
बड़ी विश मांग लीजिए, आंखें बंद कीजिए, सिर्फ उस विश के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह से आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। और वो सारी विशेज आपकी आज पूरी होने वाली है, और आप बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ चर्च में आ रहे हैं, वापस हालेलुया चर्च में गवाही देने के लिए आ रहे हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को अपने उद्धार से भर दो हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, मेरे जीवन को अपने उद्धार से भर दो। और अपनी जो भी आपकी विशेष है आप प्रार्थना कीजिए, अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए हालेलुया। आपकी विशेष कुछ भी हो सकती है, वो प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में वो सब कार्य करने वाले हैं हालेलुया। वो नामुमकिन कार्य भी वो यीशु मसीह आपके जीवन में पूरे करने वाले हैं हालेलुया। जितने भी छोटे बच्चे वो आगे आ जाएंगे, सब छोटे बच्चे आगे आ जाएंगे, केक सबको मिल जाएगा, आप आगे आ जाओ। जितने छोटे बच्चे सबको आगे भेज दो, सेंटर प्लेस बने हुए सब आगे आगे भेज दो। आज बेटा सब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप सबके लिए प्रेयर करेंगे। आ जाओ छोटे बच्चे को आगे भेज दो, प्रेयर करेंगे। सिर्फ बच्चे आएंगे, पेरेंट्स नहीं आएंगे।
बच्चों को आगे बोल दो बस। आराम से आगे जाइए। वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे सारे, ठीक है। थोड़े बच्चे नीचे, सुना चरवाहों ने दुख का पैगाम दिया, मंजूसियों ने तारे का अंजाम। सुना चरवाहों ने दुख का पैगाम दिया, मंजूसियों ने तारे का अंजाम। कहते हैं सारे जमीन आसमान ये खूब सूरज समा जब मैं बीच में आशा के टूटिए तुम करता पुजियाला दूर हुआ सब अंधियारा। जब मैं बीच में आशा के टूटिए तुम करता पुजियाला दूर हुआ सब अंधियारा। आसमानी कहते हैं सारे आसमान ये खूबसूरत समा है, शाल की चली में चलना है सुना चरवाहों ने
उसका नाम यीशु रखना। वो संसार का उद्धार करता होगा, वो जगत का क्या होगा? उद्धार करता। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को अधिकारों के साथ भेजा। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को सिद्ध भी कर दिया, और वो बातें क्या थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर तक नहीं जा सकता। हल्लेलुया। और यूहन्ना तीसरा अध्याय उसके 17वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, यानी कि नरक की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हल्लेलुया।
लिया। आंखें बंद करके उस क्षण को महसूस कीजिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। गांव में कितनी ठंड होती है ना, पहाड़ों के पास कितनी ठंड होती है। स्वर्गदूत आते हैं, चरवाहों के पास आते हैं, यूसुफ के पास आते हैं, मरियम के पास आते हैं, बताते हैं उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। फिर स्वर्गदूत जाकर प्रचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। आकाश में महिमा हो, आकाश में महिमा, पृथ्वी पर शांति हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और महसूस कीजिए, अपने आंखें बंद करके महसूस कीजिए। आप महसूस कीजिए कि माता मरियम, यूसुफ और चरवाहे वहां पे चरनी में, गौशाला में बैठे हैं। सर महसूस कीजिए इस क्षण को। देखिए यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हालेलुया। बेतलहम के गांव में, एक छोटे गांव में एक बालक पैदा हुआ, पैदा हुआ है यीशु, पैदा हुआ है यीशु, देखो मेरा मसीहा। बेतलहम के गांव में, एक छोटे गांव में एक बालक पैदा हुआ, पैदा हुआ है देखो मेरा मसीहा। एक छोटे गांव में एक बालक पैदा हुआ, पैदा हुआ है यीशु, पैदा हुआ है यीशु, देखो मेरा मसीहा। ईश्वर का बेटा है, पैदा हुआ है यीशु,
Jesus, hallelujah. आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर कितने जन आनंदित है आज, हल्लेलुया। कितने जन आनंदित है आज, थोड़ा भंगड़ा भंगड़ा हो जाए। कितने जन चाहते कि भंगड़ा हो, सब आगे आगे आ जाइए। हाँ, राजकुमार से एक लाइन गाना चाहते हैं, ठीक है? तब तक आपको भी ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऐसे करो। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको ऑक्सीजन मिल जाएगी, राजकुमार सर एक लाइन गाएंगे, उसके बाद हम भंगड़ा पाएंगे। कितने जन भंगड़ा पाएंगे आज, ठीक है? राजकुमार सर के लिए ताली बजे। हाँ, क्लैपिंग करेंगे। जन्म हुआ था तो अंग्रेजी में बोले थे बहनों, कौन? फॉलोअर्स, लॉन्ग टाइम में गाउ इन बेथलेहम, सो द होली बाइबल से, लॉन्ग टाइम में गाउ इन बेथलेहम, सो द होली बाइबल से, मैरी माय चाइल्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन क्रिसमस डे, लॉन्ग टाइम बाद।
गाने के लिए दे सकते हैं, आप सबको मौका मिल सकता है साल में एक बार। हालेलुया, क्या पट्टे चक दो, सबके पट्टे चक दो। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कितने जन चाहते हैं भंगड़ा पाएंगे आज? तो आगे रह जो, आगे रह जो, जो डांस करेंगे मैं नीचे 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 डांस करेंगे, ठीक है? ये भंगड़ा तो है, ये भंगड़ा तो है, लेकिन ये देहाती भंगड़ा है। फिर भी चलेगा, तब भी चलेगा। कैसे बोलते हैं देहात में? ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, मसीह मरियम को जायो रे, ओ मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, चला परिसा दिव्य मरियम को रे, चला परिसा दिव्य मरियम को रे, राह आरा तो मैंने पहले से कह दी मसीह मरियम को जायो रे, चला परिसा दिव्य मरियम को
मुझे जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे देश के जो सोल्जर जाते हैं, मतलब अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, कितने जन समझ रहे हैं मैं जो बात बोल रहा हूं? जब बॉर्डर पे हमारे देश के जो सोल्जर जाते हैं, जब देश की सुरक्षा के लिए जब जाते हैं, अगर आधे सोल्जर्स जो है अपनी बंदूकों को निकाले नहीं, आप पॉइंट समझ लो, और आधे जने जो है, आधे सोल्जर्स बंदूक निकाल के बॉर्डर पे घुस जाए, क्या होगा? क्या होगा? तो सारे सोल्जर्स अपनी बंदूकें निकालो, अभी जो वहां पे डांस कर रहे थे वहीं पे डांस कर लो, लेकिन डांस सबने करना है, डांस सबने करना है, डांस सबने करना है, जो छोटे बच्चों के साथ है वो भी, जो बड़े बच्चों के साथ है वो भी, और जो बच्चे हैं वो भी, सब डांस करेंगे, है ना? बच्चों के मम्मी पापा वही पे डांस करेंगे, वही खड़े होगा, हाँ, जो मम्मी है पापा है जहां जगह मिलती है वही खड़े होगा। थैंक यू। सब गाएंगे मिलकर, चलाएंगे भी, है ना? साल में एक ही बार तो करते हैं, बाकी तो हम डिसिप्लिन, बाकी तो हम डिसिप्लिन ही है ना सर, साल में एक ही बार तो धूम मचानी है। Oh,
जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, क्या बताया कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, इन बच्चों ने काफी जो है अपने ट्यूशन से छुट्टी लेकर, कई बार स्कूल से छुट्टी लेकर पूरे पूरे दिन प्रैक्टिस की है। तो आपने, आप सब प्लीज बैठ जाइए और हम इन बच्चों का जो ये डांस देखेंगे, इन्होंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। सब सेटल हो जाएंगे, सब बैठ जाएंगे, बहुत मजा आया। अच्छा हाँ, ये सेशन है, जितना भी लीडर्स हैं, जितना ने बैप्टिज्म लिया हुआ वो आगे आ जाएंगे, अपनी गवाही बताएंगे। हालेलुया, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या अद्भुत कार्य किए, हालेलुया, आगे आ जाएंगे। ड्यूटीज जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, आगे आ जाएंगे, गवाही का टाइम है, तब तक बच्चे थोड़ा ऑक्सीजन ले लेंगे। आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए स्टेज पे, आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। मैं चाहता हूँ कि जितने जन यहाँ पे उपस्थित है उनके जीवन में भी बड़ी बड़ी आशीष आई, उनके भी जीवन में क्या आए, बड़ी बड़ी आशीष आए। तो बाकी जन बैठ जाइए। हालेलुया, आप में से कितने जनों ने स्वर्गदूत को देखा है रियल लाइफ में, रियल सुपर नेचुरल तेजों में शरीर में, कितने जनों ने स्वर्गदूत को देखा है? जितने ने नहीं देखा वो भी देखेंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, आपको ध्यान से इनकी बात को सुननी है। इनको पीछे बिठा दो। कितने जन सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? सुपर नेचुरल, अगर आप सुपर नेचुरल बातों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको इनकी बातों को ध्यान से सुनना है। हालेलुया,
आपकी लाइफ में चाहे जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आपकी लाइफ में जैसी मर्जी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, जैसी मर्जी आपकी जो है सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थ्य और विश्वास योग्य आपकी लाइफ को आशीषित करने के लिए। हालेलुया। निशा अग्रवाल जी आगे जाएंगे। हालेलुया। अंकल जी भी आ सकते हैं, आज उनको भी ले। हालेलुया। आइए हम गवाही सुनेंगे ध्यान से। हालेलुया। आइए हेलो सबको जय मसीह की। मेरा नाम निर्मल शर्मा है। मैं 2013 से बीपी, शुगर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा रही थी और मेरी प्रेयर हुई और मैं करीब 6 महीने से कोई भी दवाई नहीं खा रही और उस बीच ही मेरे को फिर पढ़ने शुरू हो गए, उसकी भी फिर मेरी प्रेयर हुई, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। यीशु नाम की मैं महिमा गाती हूँ, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कितने जनों को इनकी इनकी गवाही समझ आई है? आंटी जी को फीट्स पड़ते थे 3-4 साल से, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ, अलग अलग प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ वो खाते थे। फर्स्ट टाइम वैसे वो 3-4 साल से वो यीशु मसीह को मानती थी लेकिन संपूर्ण रीति से वो विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। लेकिन इनके घर में जब फर्स्ट टाइम प्रार्थना हुई तो इनके तो जितने भी दुष्ट आत्मा के बंधन थे वो एक तो वो टूट गए, इनको फीट्स पड़ना बंद हो गया। बहुत सारी दवाइयाँ थी, दवाइयाँ खाते थे, वो सब क्या हो गई? वो सब दवाइयाँ की स्टॉप हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। ताली बजा के यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। अब हम मिसेस शकुंतला शर्मा आंटी जी से जो है गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। जितने भी बाकी जन है जो चर्च में आते हैं, आप एक दूसरे को चुप रहने के लिए बोल सकते हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पनवेसर का धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह का मैं पनवेसर का ये धन्यवाद करती हूँ। मैं 3-4 साल में पनवेसर में हूँ मगर मैं ऐसा है मेरी जो जो साल बीतती गई मैं पनवेसर में बढ़ती चली गई। मेरे पति 12 साल से शराब पीते थे जब मैं मसीह में नहीं थी। मैं इतनी परेशान थी कि खाना तो दूर रहा, मैं चाय के लिए भी परेशान थी। मैं पनवेसर का गोटी गोटी धन्यवाद करती हूँ जब मैं मसीह से जुड़ी। अब मसीह से जुड़ने के बाद ही मेरे को 1 हफ्ते बाद मेरे पति ने 12 साल की शराब पी हुई छोड़ दी और हर बहन भाई का शराब ऐसे ही छोड़े मेरे प्रभु। अब मैंने कोई दवाई नहीं कराई, कोई कुछ नहीं कराई, मैं रोटू के भी लिए भी मोहताज थी अपने बच्चों के लिए। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। शराब छुटी और इतनी रोटी दी कि मैं 10-50 आदमियों को खिला सकती हूँ। मेरा परमेश्वर इतना महान है, जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का। शकुंतला आंटी की ये गवाही है कि उनके जो हस्बैंड थे वो करीब बहुत सालों से 12 सालों से वो नशे में थे, वो शराब के बंधनों में थे। और यहाँ पे बहुत सी माताएं बहनें हैं, भाई हैं जो अपने इन बंधनों को तोड़ना चाहते हैं नशे के, क्योंकि इससे हमारे घरों में बहुत आर्थिक समस्याएं तो आती हैं, मेंटली भी बहुत परेशान रहते हैं। जितने लोग भी चाहते हैं कि उनके घर से नशा मुक्त हो, नशे के बंधन टूटे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपने प्रार्थना के विषय इस विषय में बता सकते हैं? हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम ये हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट का नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं और इस पर हमें अपनी प्रार्थनाओं के विषय बता सकते हैं। हम सभी मिलके आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरे जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह ने बहुत सारे अद्भुत कार्य करे। पहली गवाही तो मेरे पापा की है, मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पापा एडवोकेट हैं और उनको करीब 6 साल पहले पैरालिसिस अटैक हुआ था। उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज था उसकी वजह से और वो बेड पर ही थे। हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम में जब प्रार्थना हुई यीशु मसीह के नाम से तभी से उनमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। पहले उनका जो लेफ्ट हैंड बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ था वो परमेश्वर ने चंगा किया
उसके बाद फिर उनका पहले उन्होंने वॉक करना स्टार्ट किया स्टिक के सहारे से, और फिर यीशु मसीह ने चंगाई दी, वो बिना स्टिक के सहारे से चल पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। दूसरी गवाही मेरे जीवन की है जो कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी चंगाई दी। मैं पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाती थी, मैं डिप्रेशन में थी करीब एक साल से, और जब मैंने यीशु मसीह को जाना परमेश्वर ने पहले एक महीने में मुझे इतनी चंगाई दी कि मेरा वो डिप्रेशन मुझे पता ही नहीं चला कब यीशु मसीह ने दूर कर दिया। हालेलुया। उसके बाद मुझे 6 साल पुराना अस्थमा था, उसके लिए मैं पंप यूज़ करती थी। मुझे ये लगता था क्या कि अब मुझे पूरी लाइफ ये दवाई खानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर से भी यही क्वेश्चन पूछती थी कि क्या मुझे पूरी लाइफ ये दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर बोलते थे ये दवाई तो आपकी चलती रहेगी। मैं पंप छुप छुप के लेती थी कि कोई देखे ना और ये ना सोचे कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। लेकिन जब से मैं मसीह में आई हूँ यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी और मेरा 6 साल पुराना अस्थमा यीशु मसीह ने दूर कर दिया। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा देना चाहती हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह की महिमा। सबको जय मसीह की। मेरे को 7 साल से माइग्रेन था। मैं अभी नई नई विश्वास में आई हूँ, करीब 1.5 महीना से मैं चर्च जा रही हूँ। जब पहली बार मैंने चर्च में अपने लिए प्रे करवाई उसके बाद से आज करीब 2 महीना 1.5 महीना मैंने कोई दवाई नहीं खाई। मैं 7 साल से माइग्रेन की दवाई खाती थी, दिन में 3-3 गोलियां माइग्रेन की खाती थी, लेकिन अब मैं कोई भी एक गोली भी नहीं खाती। और अभी एक गवाही मेरी ये है कि अभी कुछ 15 दिन पहले 20 दिन पहले मेरे ऊपर किसी ने कुछ बहुत ज़्यादा करवा दिया था, एटलीस्ट शायद मेरे को मारने के लिए करवा दिया था, मुझे नहीं पता। पास्टर जी ने बोला था कि घर पे बैठ के डेली 1 घंटा आराधना करनी है, तो मैं आराधना कर रही थी। तो आराधना करते करते मेरे ऊपर वो चीज़ वैसे कुछ बिगाड़ नहीं सकती, मेरा पर कुछ ना कुछ तो उसे डैमेज करना ही था। तो मेरे पूरे पैर और हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी और रोते रोते मैं प्रेयर कर रही थी। फिर मेरे बेटे ने 11:15 बजे पास्टर जी को फ़ोन किया कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। पास्टर जी ने मुझसे बात की फ़ोन पे, फ़ोन मैंने स्पीकर पे डाला। पास्टर जी ने बोला कि पहले तो आप सबको क्षमा करो, जिस भी किसी ने कुछ किया है सबको क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ किसने किया, लेकिन मैंने सबको क्षमा किया पास्टर जी के कहने से। और इतना करते ही पास्टर जी ने प्रे किया और मेरा दर्द ऐसे चला गया कि मुझे कुछ था ही नहीं कभी भी 1 सेकंड के अंदर। और पूरे शरीर में मेरी इतनी आग भर गई परमेश्वर की कि मैं एकदम चंगी हो गई। और वो चीज़ डायरेक्ट 2:45 बजे उसी दिन रात को वहाँ चली गई जहाँ से वो आई थी। मुझे इस चीज़ के लिए फ़ोन भी आया कि किसी ने मुझे बताया, तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस चीज़ के लिए। और अभी परसों की एक और गवाही है, बेटे के सिर में 3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था। पास्टर जी ने तेल दिया हुआ था प्रे करके, हम लेकर गए थे, तो मैंने बेटे के सिर पे जैसे वो क्रूज ऐसे बना के ऐसे ही किया, दर्द पता नहीं परमेश्वर ने उसका कहाँ गायब कर दिया, उसको दर्द ही नहीं है बिल्कुल भी। अब परमेश्वर की महिमा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। मेरा नाम तृप्ता है, मेरा मैं 3-4 साल से मैं मसीह में हूँ, पर मेरा 1 साल पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी और अचानक ही बीमार हुई थी। और उसमें मेरा एक हॉस्पिटल से जवाब दे दिया, फिर दूसरे हॉस्पिटल से जवाब दे दिया, फिर तीसरे हॉस्पिटल में मैं गई तो तीसरे हॉस्पिटल में जाते जाते भी उन्होंने भी जवाब दे दिया मेरे को, मेरी ऑक्सीजन और हार्ट और किडनी 30% या 40% काम कर रही थी। और उसमें मैं गोयल नर्सिंग होम में मैंने समझो मौत को देख लिया था, मैं अपनी तरफ से मौत को चली गई थी। मैंने यहाँ तक कि जब दूध भी देखे सब कुछ देखा और मैं चली गई, और हवा में ऐसे घूमती 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 इतनी तेज मेरी रफ्तार थी कि जैसे मन की गति तेज होती है, ऐसे जाते जाते मैंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा भी देखा। पर एक रास्ते में मैंने क्या देखा, एक खाई है, बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई में जैसे ही मैं जाने लगी तभी उसी टाइम मेरे को प्रभु यीशु इतने बड़े दिखाई दिए और मैं 3 साल की गुड़िया जैसी दिखाई दी। उसी रूम में प्रभु थे और उसी रूम में मैं थी। उन्होंने अभी तक भी मैं ये भूलती नहीं हूँ कि उन्होंने दाया पैर बढ़ाया और दाया हाथ बढ़ाया उन्होंने, और उसके दाए हाथ से मेरा बाया हाथ उन्होंने पकड़ा और मेरे को जीवन मिल गया। और पर घर में किसी को पता नहीं है, पर मेरा फिर 4th नर्सिंग होम में गई तो वो मेरी सारी चीज़ें एकदम कवर करी। 5 दिन मैं इन्वेटर में रही, पर मेरी चीज ऐसे एकदम 1 हफ्ते में मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गई, घर आ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ मैं, पिता परमेश्वर का धन्यवाद, पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सतनाम कौर है,
मैं 3 साल से दवाइयाँ खा रही थी, बहुत ज्यादा मेरे मुंह से खून आ रहा था। पहली बार पास्टर जी ने प्रार्थना करी नहीं सही हुई, दूसरी बार करी तो नहीं सही, तीसरी बार सही करे प्रार्थना की तो तीसरी बार में मैं सही हो गई, प्रभु की महिमा हुई। दूसरी मेरी गवाही है बेटी की, मैं बहुत ज्यादा रोती थी पास्टर जी के आगे। मैंने बोला था कि मेरी बेटी को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, HIV की बीमारी है, कोई भी डॉक्टर सही नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बेटी को चंगा कर दिया। धन्यवाद। आपने सुना किस बीमारी के बारे में बात हुई यहाँ पे? आप में से आधे से ज्यादा जन जरूर जानते होंगे कि HIV का वर्ल्ड में कहीं पे भी इलाज नहीं है। कोई डॉक्टर HIV पॉजिटिव मरीजों को ठीक नहीं कर सकता। आप जानते हैं, हालेलुया, इनकी हमें जो है दोनों की, दामाद और बेटी दोनों की पुरानी रिपोर्ट्स भी हमारे पास पड़ी है जिसमें साफ साफ लिखा है रिएक्टिव HIV 1 and 2 reactive 100%। हालेलुया। और जब इन्होंने प्रार्थना करवाई, रेगुलर प्रार्थना में आए, उसके बाद जो है जब इनके लिए अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर हुई, उसके बाद जो है परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। जिन जहां पर इन्होंने पहले ब्लड टेस्ट कराया था उसी के पास वापस जब गए तो जो वहां पे वो जिन्होंने ब्लड टेस्ट किया वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि HIV का कोई भी इलाज नहीं है, सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने 4-5 बारी शायद टेस्ट कर दिए होंगे, हालेलुया, हालेलुया, कि मेरी मशीन खराब हो गई, शायद ठोका पीटा भी होगा मशीन को कि मेरी मशीन खराब हो गई है, हालेलुया, क्योंकि वो व्यक्ति जानता था कि ये पहले बीमार थे, HIV पॉजिटिव थे, हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या किया, उन पर अनुग्रह किया, एक नया जीवन दान दिया, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होगी। हालेलुया। हमारे पास इनकी पुरानी रिपोर्ट्स भी है, नई रिपोर्ट्स भी है, कोई देखना चाहे तो हम उनको दिखा सकते हैं। हालेलुया। देंगे नहीं लेकिन दिखा देंगे। हालेलुया। और बहुत बड़े बड़े कार्य जो आप सोचते हो कि नहीं हो सकते, सब नामुमकिन बातें, वो सब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। हम दूसरी गवाही सुनेंगे, सुधा सिस्टर, इनको अभी 1 महीना जो है प्रार्थना में आते हुए है। इनके परिवार में जो दुष्ट आत्मा के बंधन थे, किस प्रकार से, किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने वो बंधन तोड़े हैं, और कैसे बीमारियों को दूर कर रहे हैं, कैसे इनके बिजनेस को बांधा हुआ था दुष्ट आत्मा ने, कैसे वो बिजनेस चलने लगा, कैसे इनके घर में बरकत आ रही है, हम सुनेंगे सुधा सिस्टर की जुबानी। सबको जय मसीह की। देखो अभी चर्च में आते हुए 1 महीना ही हुआ है और बहुत सारी कृपा करी है मेरे ऊपर। मेरे को है ना अस्थमा की बीमारी थी, वो मेरे को पास्टर जी ने बोला था कि प्रेयर करना आपके घर महीने अपने घर में। 4 दिन से प्रेयर कर रही हूँ, वो मेरे को कुछ भी नहीं है, खांसी पूरे टाइम मेरे को खांसी होती रहती थी, बिल्कुल एकदम एक बैठ नहीं पाती थी, अब मुझे बिल्कुल खांसी नहीं है उस यीशु मसीह के नाम से। और सबसे मेरी बड़ी गवाही है यह है कि मेरे पति के शरीर में पूरे टाइम पेन होता रहता था, एक साइड में उनका सुन रहता था वो शरीर, आज उनके शरीर में कुछ भी नहीं दिक्कत, बिल्कुल ठीक है वो। और मेरे को क्या, अभी 1 महीना ही हुआ है, मेरे को वहाँ से अन्य भाषा भी मिली है, उससे अन्य भाषा में मैं 4 दिन से प्रे कर रही हूँ और 4 दिन से मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और 20 साल से जो हमारे घर पे किसी ने करवा रखा था उनकी शक्ल मेरे सामने आ गई, और वो व्हाट्सएप पे इनसे बात करता है कि आपके घर में सब ठीक है या नहीं है, वो उनसे पूछता है, जो कभी बात नहीं करता था वो भी बात करने लग गया कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है क्या या कुछ नहीं है, बच्चे ठीक है तुम्हारे, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, वो सब कुछ पूछ रहा है। और जिस टाइम मैं प्रार्थना कर रही थी उसी टाइम वो पूछ रहा है, सुबह 4 बजे का टाइम था और उसका मैसेज आके इनसे पूछता है वो कि ये सब हुआ है हमारे साथ। यीशु मसीह की महिमा हो, हमारा घर बहुत चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। दृष्टि आ गया जो बेटा, दृष्टि का है आपका सबको जय मसीह की। मेरे पापा को है ना डॉक्टरों ने जवाब, मेरे पापा को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, सिर्फ 2 घंटे ही मेहमान थे, ICU में थे, डॉक्टर ने कहा प्रेयर कर लो आप, तो मैं हमने सबने किसी ने प्रेयर तो करी है मगर किसी का विश्वास नहीं था। मुझे 2 घंटे हुए यहाँ पे चर्च आते हुए, मगर मेरा विश्वास था मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
मैंने प्रेयर की मगर मेरे पापा ठीक हो गए बिल्कुल। मेरे पापा को स्वर्गदूत भी दिखाई दिए थे जब वो आईसीयू में थे। मेरे पापा ने बोला कि मुझे स्वर्गदूत दिखाई दिए, मसीह में उनके पेट पे लेटे हुए थे। तो मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। उनकी किडनी भी, उनकी दोनों उनकी दोनों किडनी अभी खराब है मगर है ना वो भी मेरा विश्वास है बहुत जल्द सही होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। जब आईसीयू में अंकल जी एडमिट थे, हालेलुया, सब डॉक्टर्स ने क्या बोला परिवार वालों को? जवाब दे दिया था कि 2 घंटे के मेहमान है। कितने जने इस परिवार से, हाथ खड़े कीजिए, इस परिवार के कितने जन आए आज? हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा आगे आ सकते हैं, सिर्फ एक बारी आगे आ सकते हैं, एक सेकंड के लिए आगे आ सकते हैं। जल्दी आओ, जल्दी दृष्टि दो। हालेलुया। डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि 2 घंटे के मेहमान है, जिसने जो सेवा करनी है कर लो, जिसने जो बात करनी है, जो भी वसीयत की बातें पूछनी है पूछ लो। हालेलुया, हालेलुया। और इन्होंने चर्च में जब प्रार्थना कराई, तो जब चर्च में इन्होंने प्रार्थना कराई तो क्या प्रोफेसी हुई इनके लिए कि 20 साल इनकी उम्र बढ़ गई, 20 साल इनकी उम्र जो है बढ़ गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या मुझे क्या बताया कि परमेश्वर इनकी उम्र बढ़ा रहे हैं और इनकी 20 साल उम्र जो है मैं बढ़ाने जा रहा हूं और पूरा घराना यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाएगा। हालेलुया। केशव का है, केशव, हाँ केशव ने फोन पे जैसे जैसे मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता गया, जैसे प्रेयर जो भी अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर करा के लेके गए थे चर्च से, इनकी छाती पे मिला और प्रार्थना हुई। हालेलुया, सबने मिलके प्रार्थना की। हालेलुया। और जब प्रार्थना खत्म हुई, आधे पौने घंटे बाद इनका क्या हुआ, डायलिसिस हुआ। हालेलुया। सेम डॉक्टर्स जो ये कह रहे थे कि ये 2 घंटे के मेहमान है, सेम डॉक्टर्स जो ये कह रहे थे कि 2 घंटे के मेहमान है, वही सेम डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, इनकी 10 से 12 साल उम्र बढ़ चुकी है। हालेलुया। वो डॉक्टर्स हैरान थे कि इनकी हेल्थ कैसे, पहले वो उन्होंने बताया कि इनका जो हार्ट है वो 27% जो है काम कर रहा है, ओनली 27% जो वर्क कर रहा है इनका हार्ट और बच नहीं सकते। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑयल लगा के इनके लिए प्रेयर की, मौत के फरिश्ते जो आए थे उनको डांट लगाई, दूर किया उनको। हालेलुया। और परमेश्वर ने इनकी उम्र बढ़ा दी। हालेलुया। इस बात कितना टाइम हो गया प्रार्थना करते इस, ये जो गवाही इनके जीवन में है, इस गवाही को 2 हफ्ते हो चुके हैं। हालेलुया। 2 घंटे और 2 हफ्ते हो चुके हैं और आगे भी इनकी उम्र 20 साल बढ़ चुकी है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। कि बैठिए आप नीचे से जाओ बंदा सिस्टर, रहिए। ओके, हम हाँ ठीक है। दृष्टि, इस बच्ची ने बहुत अच्छा गीत गाया आज, परमेश्वर पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम एक छोटी सी जगह पे गीतावली 6 ब्लॉक में प्रार्थना किया करते थे। 3-4 महीने ये बच्ची आती थी। टिंकू भी है मेरे फादर के बहुत क्लोज पुराने फ्रेंड हैं, उनके बच्चे हैं मयंक एंड दृष्टि, चर्च में आते थे प्रार्थना कराने। एक दिन दृष्टि ने मुझसे पूछा, दीक्षांत भैया आप कभी चर्च गए हो? आपको मतलब समझ आ रहा है चर्च का मीनिंग क्या है? चर्च का मीनिंग क्या है? जहां पर 2 या 3 जने मिलकर जहां पे भी प्रार्थना करते हैं वो चर्च होता है, उसको चर्च बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रार्थना का स्थान। क्या बोलते हैं? प्रार्थना का स्थान। ये 3-4 महीने से आ रही थी वहां पे, लेकिन इसको नहीं पता था कि मैं कभी चर्च गया हूं या नहीं गया हूं, मेरे से दृष्टि ने पूछा। हालेलुया, प्रार्थना सीखी। हालेलुया। और एक बार क्या हुआ, एक थी जो मम्मी है उर्मिला सिस्टर, उनके पैरों के ऊपर से ट्रक निकल गया। कितने जन जानते इस बात को? हालेलुया, उनके पैरों के ऊपर से ट्रक निकल गया और इस बच्ची ने अपनी मम्मी के पैरों पे हाथ रख के प्रार्थना की और इसकी इनकी जो मम्मी है उनके पैर ठीक हो गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। बेटा बताओ कुछ, आपका क्या एक्सपीरियंस था जब ऐसा हुआ था, क्या महसूस किया आपने? पहले तो सबको मेरी तरफ से जय मसीह की,
मेरा नाम दृष्टि है। उसमें ये बात है 12/5/2017, एक साल हो गया इस बात को। उस दिन भी संडे ही था और 5-6 o'clock की बात है ये। तो जब हम लोग जा रहे थे, हम लोग चल रहे थे, सिंपल वॉक कर रहे थे, कोई हमारा व्हीकल नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल वॉक कर रहे थे। तो पता नहीं चला, पीछे ट्रक था, बहुत लंबा टायर था, सिंपल भी नहीं था, बहुत बड़ा था। तो हम आगे आगे चलते रहे, पापा आगे थे, भैया मैं साथ थे, मम्मी पीछे थी, थोड़ा पीछे रह गई, नहीं पता चला कहाँ थी। बाद में जब उनको ढूंढने गए पीछे, तब देखा का ट्रक निकल चुका था पैरों में से, पता भी नहीं चला। एक सेकंड का पता नहीं चला कब ट्रक निकल गया। जब बाद में पीछे आए तब पता चला कि ट्रक निकला पैरों से। तो उस समय की जो मम्मी की हालत थी, मम्मी भी रो रही थी, मैं भी टेंस थी, पापा आगे निकल गए थे। तो भैया गया पापा को बुलाने के लिए कि पापा कहाँ हैं। हम लोग चल रहे थे वॉकली। तो उसके बाद मम्मा को जैसे जैसे घर लेकर आए, दवाइयाँ दी, डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि आज जब डॉक्टर नहीं थे, तो घर पे ही उनका इलाज किया, मेडिसिंस दी, प्रार्थना करी। उस समय मुझे प्रार्थना का सही मोल नहीं पता था, एक आहट नहीं पता थी, जो आता था वो किया, जिसे कहते हैं पास्टर जी करते हैं आप लोगों की जैसे प्रार्थना, वैसे नहीं थी, एक बच्चे की तरह की, छोटे दिमाग से की, लेकिन हाँ मन से की। हालेलुया। तो प्रार्थना की 2-3 दिन। तो उसके बाद स्कूल भेजना था, कपड़े डालने थे, मतलब खुद किया सब कुछ, मम्मी को उठाया नहीं, पापा ने खाना बनाकर दे दिया उनसे जितना हो सका। उसके बाद स्कूल गए, फिर जब स्कूल से वापस आने लगी मैं, मेरी उस समय 2 बजे छुट्टी होती थी, 2-2:30 बजे ऐसे होती थी छुट्टी। तो जब हम आए तो मम्मी ने कपड़े धो रही थी, मतलब जिनसे खड़ा नहीं हो सका वो खड़े होके कपड़े धो रही थी मुझे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। वो चीज देख के बहुत अच्छा लगा, जब मम्मी ने खुद नीचे तक आई, बैग पकड़ा, जो काम मम्मी करती थी वो किए। तो उस दिन से मेरी याददाश्त खुल गई, दिमाग से खुल गई, दिल से खुल गई और परमेश्वर के विश्वास पर चली गई। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वेरी गुड बेटा, उधर से दीदी को। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम भावना है, मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद जितना करूँ उतना कम है। समझ नहीं आ रहा कि गवाही कौन सी दूँ, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मुझे चुना, बहुत अद्भुत रीति से, क्योंकि मैं प्रार्थना जैसी आती थी, जैसे शब्दों में आती थी, ऐसे ही करती थी। विश्वास जैसा था, जैसा बाइबल में लिखा है कि जा जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा हो जाए, तो जैसा विश्वास था परमेश्वर जब वैसे काम कर रहा था हमारे जीवन में। मगर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब मैं उस चर्च से निकलकर दूसरी चर्च में आई और पास्टर जी से मिली मैं फर्स्ट टाइम, तो पास्टर जी ने मुझे छूटते ही कहा कि सिस्टर आपका दर्शन क्या है। तो सीखा नहीं था कभी कि दर्शन का मीनिंग भी क्या होता है। लगभग 4 महीने पहले की बात बता रही हूँ, 4 साल से परमेश्वर में हूँ मगर दर्शन का मतलब नहीं पता था। पास्टर जी ने मुझे कहा कि आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है और मैंने आमीन बोला। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर से कि कभी मैंने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, इसीलिए भजन मेरा फेवरेट है कि मैंने जो कुछ कभी तुझसे मांगा नहीं तूने वो भी दिया, तू है कितना हसीन। धन्यवाद करती हूँ जीवित परमेश्वर का कि आज उसकी महिमा में हूँ और उसकी सेवकाई में हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दिल से करती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आँख बंद करके जब प्रार्थना करती हूँ तो कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर मेरा मेरी तरफ से मन हटाकर सीधा उसको सामने लाता है जिसके लिए प्रार्थना करनी होती है। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि ऐसा ही मन और हृदय हमारा बनाए और अपने विश्वास में बढ़ाए। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हम एक और गवाही सुनेंगे, उसके बाद बच्चों ने जो डांस तैयार किया है नच नच के, हालेलुया, वो बैठ कर देखेंगे नच नच कर, हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया
हालेलुया, सबको जय मसीह की एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल। मेरा नाम सोनी है और मुझे करीब 3-4 साल हुए हैं चर्च में आए हुए। पहले हम लोग दूसरी चर्च में थे, मेरी पहली गवाही हमेशा यही रहेगी, मैं प्रभु में नहीं थी, मेरी मम्मी मेरी ताई जी वगैरह सब जाते थे और मैं इतनी ढीठ थी कि किसी को भी कुछ भी पलट के बोल देना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, किसी को मेरी बातों से हर्ट हो रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी मम्मी ने, पास्टर ने, जिन जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान चर्च में बैठा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए पहले ही प्रेयर की जा चुकी है। तो मैं परमेश्वर का यही धन्यवाद करती हूँ कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ से उठा के वहाँ बिठा देगा। उसकी बहुत बड़ी दया हुई है, धन्यवाद मैं ये करती हूँ, उसने पूरा बदल के रख दिया। सच में गाना है, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती कि उसका नाम जीवन में आया और हम लोग सच में सब कुछ बदल गए हैं। दूसरी गवाही मेरे जीवन की ये है, करीब 19 जुलाई को मैं और मेरा ब्रदर गौतम, सब जानते हैं, उसके लिए हॉस्पिटल के काम से जाते थे उसको ब्लड चढ़वाने, बट क्या होता है हम लोग प्रेयर करके भी निकले थे। उस वक्त 2018 मेरा इतना गंदा बीता है कि मेरी ही गलती होगी, मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, इतना गंदा बीता है कि रो रो के मेरा पूरा, मेरे हाथ में इन्फेक्शन, मेरी बॉडी में इन्फेक्शन, मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसी ऐसी नौबतें आई थी कि मरने तक की नौबत आ गई थी, रो रो के रातें कट रही थी और मैं यही प्रेयर करती थी रो रो के कि प्रभु मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा ले क्योंकि तेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ, मैं और मेरे भाई स्कूटी चला रहे थे, नॉर्मल चला रहे थे, ज़्यादा तेज नहीं थी, हम लोगों की स्कूटी स्लिप हो गई, पीछे से कार में एक लेडी थी उसने ऐसी ठोकर मारी कि हम लोग गिरते तो खाई में, लेकिन कहते हैं ना जब यीशु के नाम से प्रार्थना करके निकलते उसके स्वर्गदूत चारों ओर होते हैं, बट परमेश्वर ने हमें खाई में गिरने की जगह, उसने सड़क पे जो शैतान था, कहीं ना कहीं उसको शैतान जो होता है वो अपना काम करता है, पर परमेश्वर इतना महान होता है उसने फिर भी बचा लिया। गाड़ी मेरी स्कूटी, मेरा भाई गिर गया था, मेरी स्कूटी मेरी पूरी बॉडी के ऊपर से होके निकल गई थी, सब लोग इमेजिन कर सकते हैं क्या हुआ होगा। पूरा रोड मैं और मेरा भाई 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए चले थे, पूरी बॉडी में स्क्रैचेस आ गए थे, उम्मीद नहीं थी क्या हो रहा है। उठकर मैंने यही देखा कि भाई तो ठीक है, क्योंकि अपनी दया नहीं थी कि भाई बच जाए, यही था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मैंने जिस जिसको भी फोन लगाया वो सब लोग वहाँ मौजूद थे, और सबसे पहला धन्यवाद यह करती कि मेरे यीशु ने पूरे साल मेरे रोने को देखा, क्योंकि उसका वचन कहता है तेरा रोना अब तेरे आनंद में बदल जाएगा। मैंने रो रो के प्रार्थना की प्रभु मुझे मेरे हाथ के इन्फेक्शन से बचा, क्योंकि डॉक्टरों ने यह कहा था कि आधा हाथ कटेगा, पर परमेश्वर ने रिपेयर कर दिया। आपके सबके सामने खड़ी हूँ मैं और आनंदित हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। एक मिनट, हम उसको सुहाना को दो अभी। हाँ ठीक है, सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुहाना है, बेटा आई एम बताओ, आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। I am 80 years old. मैं पहले मेरी आँखों से थोड़ा धुंधला दिखता था, जब से पास्टर जी ने प्रार्थना करी अभी तब परमेश्वर ने मेरी आँखों का ये वाला चश्मा उतरवा के दूसरा चश्मा लगवाने के लिए दिया, अभी तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह, जय मसीह की। मैं 1-2 साल पहले बहुत बीमार थी, मुझे टीवी था, मेरा लास्ट वो चल रहा था MDR था, जिसमें बहुत मतलब रिस्की होता है, बहुत परेशान थी मैं। मेरा एकदम दवाइयां खाते माइंड एकदम ब्लॉक हो चुका था, मैं कुछ गंदी हरकतें करती थी जो मुझे भी नहीं पता, मतलब गंदी हरकतें करते मैं छत से कूद गई, मतलब सेकेंड फ्लोर से कूद गई अपना, तो उस टाइम मेरा लेफ्ट वाला पैर क्रैक हो चुका था बिल्कुल, मतलब तो फिर मेरे को बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, मतलब मेरे हाथ कांपते थे, पैर कांपते, हाथ में मेरे थोड़े थोड़े दर्द, लेकिन प्रभु की महिमा है अब मतलब बिल्कुल भी मेरे में वीकनेस नहीं है, मैं चंगी हूँ प्रभु के नाम से। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं जब से चर्च में आई मुझे कोई भी रोक नहीं है, पूरी तरह से मैं चंगी, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, धन्यवाद करती हूँ। और मैं सोचना अकेले चर्च में आती थी तो मैं कहती थी मैं अकेले कैसे आऊँ, मतलब फिर मैंने बोला सर से, मैंने भी प्रेयर करी कि मैं भी अपनी मम्मी के साथ आऊँ, पापा के साथ आऊँ, और मेरे पापा भी आ चुके, मेरी मम्मी भी आ चुकी, मैं धन्यवाद करती फिर पिता परमेश्वर का। और सर ने बोला था कि आराधना करनी है बैठ के घर में, तो मैं सोचती थी मैं कैसे अकेले करूँ, क्योंकि मैं अकेली होती थी विश्वास में, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी मेरे को आराधना करनी है, मैं अकेले कैसे करूँ, मम्मी बोली कि कोई बात नहीं मैं तेरे साथ आराधना करूँगी, बैठ तो हम रात को 3-4
चलिए बैठ के हम सब ने खूब आराधना की परमेश्वर की। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के नाम की महिमा गाती हूँ। पिता परमेश्वर, जैसे मैं हलचल जैसे मैं आपके विश्वास में, मेरा पूरा घराना आपके विश्वास आपके नाम के विश्वास में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर के नाम की महिमा। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर में आए हुए आज 6-7 साल हो गए, पर मैंने अब तक परमेश्वर की वो महिमा और वो स्वाद नहीं चखा था जो इन 6 महीनों में चखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस आंटी ने मुझे लेकर आया यहाँ पे, वो हमेशा हमारा रास्ता छेकती थी कि रूपा चल चर्च में, रूपा चल चर्च में, पर मैं जाती नहीं थी। पर मैं एक बार 25 दिसंबर को ही जब मैं आई थी चर्च में, तो मेरा पहला टारगेट था, क्योंकि मेरी सास की वजह से मैं विश्वास में आई, क्योंकि मेरी सास को कैंसर था। और मैंने बोला पास्टर जी से कि प्रेयर करवाई पास्टर जी से कि पास्टर जी अगर हमारी सास का कैंसर ठीक हो जाएगा तो मैं विश्वास करूँगी। पास्टर जी ने हमारे सास के लिए प्रार्थना की और सास हमारी ठीक भी हो गई, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन बचा था। उसके बाद वो हमारे पास से चले जाने के बाद उनका वो सेफ्टी खत्म हो गया। फिर भी मैं परमेश्वर में आती रही क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हमारे पास्टर जी पूरे हुए, हमारी दूसरी गवाही है कि जब हमारे पास्टर जी पूरे हुए तो हमारी पूरी कलेसिया बिखर गई थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह में जा करके निश्चिंत हो गए थे, पर मैं एक अकेली खड़ी थी जो मुझे मेरा परिवार चाहिए था, पर मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। मैं परमेश्वर से हमेशा कहती थी कि परमेश्वर जो कुछ हुआ मुझे नहीं पता क्यों हुआ, पर परमेश्वर मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए। थोड़ा टाइम तो लगा लेकिन यहोवा ने मुझे मेरा पूरा परिवार दिया। मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज सारे इतने लोग यहाँ पर हैं, मैं इस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पूरे परिवार के लिए, पूरी कलीसिया के लिए आपने हमें सेवकाई के लिए चुना, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर आज हमें आपने जो कुछ दिया, क्योंकि जब मैं साल भर 2 साल पहले अगर हमने जब हमारा पूरा परिवार बिखर गया था तो मैं अकेली खड़ी थी और मुझे डेंगू हो गया, मेरे हाथ में 3 काम थे, 3 काम छूट गए और मैं पूरी रोटी से भी लाचार हो गई थी। और मेरी ऐसी हालत थी कि पूरा परिवार होते हुए भी मैं किसी के आगे पैसे नहीं मांग सकती थी, मदद नहीं मांग सकती थी। पर फिर भी मैं बहुत रोई यहोवा के आगे कि यहोवा तू जानता है तेरी बेटी जिद्दी है और मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी, क्योंकि तू मेरा सृजनहार है और तूने मुझे बहुत तायस से दिया परमेश्वर की। मैं दवाई तो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, किसी से मांग नहीं सकती थी क्योंकि हमें इस बात का शर्म था कि लोग हमारा मजाक ना बनाए। मैंने पैसे भी नहीं मांगे, किसी परिवार के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैं मेरे घर में जो कुछ था रूखा सूखा मैं उसी पे प्रार्थना करती थी और मैं उसको खुशी से परमेश्वर की आशीष समझकर खाती थी। मेरा डेंगू कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता और मेरे घर के किसी लोगों को ये द्वारा पता नहीं था, हमारे पति तक को, परिवार तक को पता नहीं था कि मुझे डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है। पर मैं परमेश्वर की प्रार्थना कर करके मैं पानी जो कुछ था मैंने वही खाया, परमेश्वर ने हमें डेंगू से आजाद किया। जब मेरे पास काम नहीं था, सारा काम छूट गया, मैंने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने हमें 2 जगह काम दिया और 18,000 की सैलरी दी और मेरा पूरा परिवार का परमेश्वर मतलब दलिद्रता दूर कर दी। मैं यहोवा का उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं पूरे परिवार के साथ, जो हमारा पूरा परिवार बिखर गया था, पूरा परिवार इकट्ठा है, मेरी पूरी कलीसिया इकट्ठी है और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा दास और दासी दिया और इससे भी मैं बहुत खुश और बहुत आनंदित हूँ। और आज मैं जितना खुश हूँ, यहोवा आज तूने हमें जितना खुश किया, परमेश्वर सब बेटे बेटियों को उतना ही आशीषित कर। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम निशा वर्मा है। मेरी सबसे पहली गवाही ये है कि मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जब से मैं चर्च में पास्टर जी के पास जाने लगी हूँ, मेरे शरीर में बहुत इम्प्रूवमेंट है, मैं बहुत चंगी हो चुकी हूँ और आज मैंने महिमा किया, डांस किया है। तो सबसे पहली मेरी ये गवाही है। दूसरी गवाही है मेरे हस्बैंड की। वो बहुत बीमार रहने लगे थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया क्या नहीं। उन्होंने टेस्ट कराया, उनको शुगर आया। मैंने कहा आप दोबारा चेक कराओ, आपको शुगर नहीं आएगा। उन्होंने शुगर दोबारा टेस्ट कराया, शुगर नहीं आया। मैंने कहा देखो प्रभु के नाम की महिमा हुई है, आपका शुगर नहीं आया।
फिर वो कह रहे मैं एक बार फिर से चेक कराऊंगा, उनका फिर से उसी मशीन में शुगर आया। वो कहने लगे शायद मशीन में ही कोई दिक्कत है। मैंने कहा हाँ मशीन में दिक्कत है, क्योंकि मेरा प्रभु ऐसा नहीं करेगा कि आपको शुगर आएगा। और उन्होंने अभी एक दो दिन पहले दोबारा से चेक कराया और मुझे आकर बताया कि मुझे शुगर नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा हो, उनका शुगर नहीं आया, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। और वो भी आना चाह रहे थे चर्च में, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे भेजा, मेरे पूरे परिवार को भेजा। मैं इसके लिए प्रभु की महिमा करती हूँ। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अब एक जो गीत है सुहाना है, आई कुसुम द सिस्टर आ गई। ओके, हम एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद जो बच्चों ने लास्ट जो सॉन्ग जो डांस है वो तैयार किया वो हम ध्यान से देखेंगे। मेरा नाम कुसुम लता है और मैं परमेश्वर में 4 साल से हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में आप आकर इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि मेरी ये बेटी सुहाना जब से ये पैदा हुई थी तब से इसकी आंखों में खुजली होती थी, लेकिन हमने इसे हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने चश्मा लगा दिया। बहुत साल से ये चश्मा लगा रही थी, 8 साल की बचपन से चश्मा लगा रही थी। जब पास्टर जी ने बताया कि इसका चश्मा उतर चुका है और जो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टरों ने भी वहाँ पर यही बताया कि इसका चश्मा उतर चुका है, ये बिल्कुल देख सकती है, नॉर्मल देख सकती है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और एक धन्यवाद और करती हूँ कि मेरे ना 8 साल से एक दर्द होता था मेरे साइड में, तो मैंने जब पास्टर जी ने एक दिन प्रेयर करी तो वो दर्द कहाँ गया। आज उस दर्द के नाम पे मेरा शरीर बिल्कुल भला चंगा है, मेरे शरीर में कुछ नहीं है। बस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 8 साल के दर्द से मुझे भी छुटकारा मिला और मेरी बेटी को भी आंखों की रोशनी मिली। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो भैया तो बहुत सारी है, अगर सारी नहीं एक साथ बताऊँ तो 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम खुशी है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने हुए विश्वास में आए हुए। जब मैं यीशु मसीह में नहीं थी, जब मैं जॉब कर रही थी 6 ईयर से, और जब यीशु मसीह में आई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 सवा महीना हुआ होगा, मुझे उस पिता परमेश्वर ने बिजनेस की आशीष दी और ऐसी आशीष दी मेरे को बिजनेस की कि ना तो मेरे पास शॉप है और ना कोई और जगह है, सिर्फ घर से काम चल रहा है, वो भी टॉप फ्लोर से, और बहुत अच्छा चल रहा है। उस पिता परमेश्वर की महिमा हो। और बिजनेस मेरा कुर्तियों का है, क्लॉथ का काम करती हूँ मैं, और घर से ही मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे किसी शॉप की ज़रूरत भी नहीं है और टॉप फ्लोर से चल रहा है, ना कोई मैंने बोर्ड लगा रखा ना कुछ। सबको ऐसे ही पता चल जाता है, कस्टमर ऐसे ही आ जाते हैं अपने आप, परमात्मा ऐसे ही भेज देता है। और दूसरी गवाही ये है मेरी कि जब मैं चर्च में नहीं जाती थी और उससे पहले मेरी मॉम को कैंसर हुआ था और हेडगेवर में जब दिखाया तो हेडगेवर वाले ने कैंसर बता दिया था। फिर जब मेरे को किसी ने बताया, रूपा आंटी ने, मैंने चर्च में जाना शुरू किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो बोला उन्होंने कि कोई कैंसर वैंसर नहीं है, जाओ दोबारा चेकअप कराओ। फिर मैं GTV में सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे से लेकर लाइन में लगी रही, और जब मैंने चेकअप कराया मम्मी की मॉम की मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई कैंसर नहीं, कुछ नहीं था। तीसरी गवाही यह है, जो 2009 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और 2009 से मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था किसी प्रॉब्लम की वजह से, मैंने ये बात पास्टर जी को बताई। जब मैं चर्च में आई तो ये बात मैंने पास्टर जी को बताई। पास्टर जी ने बोला बेटा जाओ अप्लाई करो, तुम्हारा पापा का डेथ सर्टिफिकेट बन चुका है। मैंने अप्लाई किया, फिर भी उसके बाद अप्लाई करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन पास्टर जी बता रहे थे मेरे को कि तेरा डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ रखा है, जाओ पापा का डेथ सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। और यीशु मसीह ने मेरे पे इतनी सारी गवाहियां है कि 2 दिन भी मेरे लिए कम पड़ेंगे। मैं गवाहियां सिर्फ इतनी ही देना चाहती हूँ। मैं उस पिता परमेश्वर का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आई होप एक जो डांस इन बच्चों ने तैयार किया है अरे दीदी क्या कर रही है।
आइए बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएं, जितने भी आज जितने भी स्किट में और जितने भी स्किट में और पार्टिसिपेट किया है किसी भी चीजों में, अपने हाथों को बढ़ाइए बच्चों के लिए कि परमेश्वर इनकी इनके फ्यूचर सुपर 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 ब्लेस्ड कर दे, इनके परिवार यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
और बरखा और रूपा सिस्टर आ गएंगी खाने के लिए आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चों ने, जितने भी पिता परमेश्वर वॉलंटियर्स ने, लीडर्स ने पिता परमेश्वर आज क्रिसमस में पार्टिसिपेट किया, पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर तैयारी की, मेहनत की, पिता परमेश्वर इनके परिवार सुपर सुपर ब्लेस्ड हो जाए, पूरा घराना इनके पूरे घराने यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए, इनके परिवार में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हल्लिया दूसरों के लिए पिता परमेश्वर ये आशीष का कारण ठहरे, हल्लिया इनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी रेमा वचन बोया गया प्रभु वो सौगुणा फल लाए और कोई भी अंधकार की शक्ति उसे चुराने न पाए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हल्लिया। आई एम खाने की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, रूपा सिस्टर आगे आएंगी और खाने की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु मसीह, तेरा लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले मेरे सत्य निष्ठिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे युवा, हम सबको आज इकट्ठा करके परमेश्वर जो भी प्रोग्राम हुआ परमेश्वर उन सब में परमेश्वर आशीष देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे युवा, आज हम सबको लिए परमेश्वर आपने जो भी खाने में मुहैया करवाया परमेश्वर उस खाने के लिए परमेश्वर मैं आपकी आशीष को मांगती हूँ। हे युवा, उस खाने को छू और ब्लेस कर और अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर ताकि परमेश्वर आज जितने भी लोग यहोवा तेरे खाने को खाए परमेश्वर उसका मन, जीवन और हृदय यहोवा बदलने पाए और उनके द्वारा परमेश्वर उनका पूरा परिवार, पूरा घराना यहोवा उद्धार पाए, उनका पूरा खानदान बदलने पाए। हे यहोवा यीशु मसीह, आप परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीषों से भरकर परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। हर एक के जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उस खाने में परमेश्वर आशीष देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। उस खाने को खाकर जो बेटे बेटियों को यहोवा आपने चंगाई की आशीष दी, अपनी अच्छी बुद्धि की आशीष दी और परमेश्वर वृद्धि बरकत की आशीष को दिया और परमेश्वर उसके मन और हृदय को बदलने की जो आशीष दी यहोवा परमेश्वर आपके लिए उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। हे यहोवा परमेश्वर, तू देने वाला परमेश्वर है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। हे यहोवा, आपने हम सबको नया जीवन दिया, नया परिवार दिया और नया समय दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आज आपके जन्मदिन के लिए भी परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सबके बीच में आने के लिए और हम सबके परिवार को छूकर ब्लेस करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। हे यहोवा, जिस नेक कमाई से बनकर आया उस खाने को परमेश्वर उस नेक कमाई में वृद्धि बरकत की आशीष को देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, जिस बंदों ने उस खाने को बनाया परमेश्वर उन हाथों को ब्लेस कर, उनका पूरा परिवार यहोवा उद्धार पाए तेरे नाम से और पिता परमेश्वर उसके जीवन में परमेश्वर तू आ और कार्य कर ताकि परमेश्वर वो भी हमारे साथ खड़े होकर यहोवा तेरे नाम की गवाही देने वाला बने। हे पिता परमेश्वर, जैसे तूने हम सबको परमेश्वर छुआ और ब्लेस किया, हमें तेरे छूने की परमेश्वर एहसास पता चलता है परमेश्वर, वैसे तू सबको पता चला, तेरी महिमा को परमेश्वर हर कोई महसूस करे और परमेश्वर हर एक का जीवन बदले। और यहोवा परमेश्वर, आज जो आपने हमारे लिए आशीष लेकर आए परमेश्वर, उसमें सौगुना बरकत की आशीष को देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हमको छूकर ब्लेस करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हम सबको खाने पीने की मुहैया करवाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, आपने हम सबको अपनी बुद्धि से भरा, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हमारे दास दासी को यहोवा आत्मिक आग से भर यहोवा ताकि परमेश्वर वो जिन जिन को छुए उनका जीवन ब्लेस हो पाए और परमेश्वर हम सबके साथ परमेश्वर वो भी परमेश्वर आनंदित हो, और इसलिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज आपने हमें जो दिया परमेश्वर वो बहुतायत से दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह खुदा जलाली तेरे नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैंने जो कुछ भी मांगा यहोवा वो सब कुछ हमें मिल चुका है, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हल्लिया, आप अपने सिर पे हाथ रखिए, आप सबके लिए प्रेयर होगी। हल्लिया, आप सबके लिए प्रेयर होगी। हल्लिया, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, आप हमारे जीवन में और हमारे परिवार में उद्धार को ढेल दीजिए। आपके वचनों को जो जीवन देते हैं वो हमारे जीवन में आने पाए और हमारे जीवन बचाए जाए
हमें से कोई भी जन नाश ना हो। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे परिवार में आप कार्य करो, हमारे परिवार में आप देख रेख करो, हमारे परिवार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीषित हो जाए और उद्धार पाए। धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमेन। हल्लेलुया, आमेन। हल्लेलुया, हल्लेलुया। सबको जय मसीह की। किसी को भी क्रिसमस या चर्च के लिए दान देना है तो इस दान पेटी में आप डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, जिनको भी कैलेंडर चाहिए वो कैलेंडर्स ले सकते हैं। कैलेंडर्स दे दो, जितने भी वॉलंटियर्स हैं कैलेंडर्स दे दो, 5 10 10 कैलेंडर्स दे दो। कार्ड जिनको भी कैलेंडर चाहिए वो आ जाएंगे।